तहरीके इंसाफ लाशें गिराना चाहती है सर, ये अब आप जो कल एहतजाज लेकर आ रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनी होंगी, सख्त आहनी हाथों से निपटा जाएगा, नो लेवरेजेस, क्या देख रहे हैं? कल तो फिर चंगी पली मार कुटाई होनी है इस्लामाबाद में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एक आईनी हक है एहतजाज के लिए बाहर निकलना, सड़क पर चलना, फुटपाथ पर चलना, अपनी आवाज बुलंद करना। सारी दुनिया में ये होता है तो हम तारीफ करते हैं, लंदन में मिलियन मार्च हो गया इराक के लिए तो हम तालियां बजाते हैं, अपने मुल्क में हम कहते हैं ऐसा हम कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल सर, लेकिन कंटेनर लगा के शहर बंद कर दिए गए, आप जानते हैं इस बात को, आपके लोग अंडरग्राउंड हैं और आपको बहुत कुटाई लगानी है उन्होंने कहा। देखिए, कसूर तो उन लोगों का है करना चाहते हैं, जो तशद्दुद करना चाहते हैं, जो बरबरीत का बाजार गर्म करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ एक पुरान एहतजाज करना चाहते हैं आईन की पामाली के खिलाफ, जो कि आपका राइट है सर, जो आपका राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन मुझे ये बताएं कि अडयारा में कोई मुजाकरात हो रही, खबर चल रही थी कोई मुजाकरात हो रही है कल का एहतजाज इमरान खान साहब कैंसिल मुलतवी कर दे, कोई बात इसमें है? सोशल मीडिया पे मैंने देखी, मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि एक पुरमन एहतजाज आवाज बुलंद करना हमारा हक है। इस लम्हे ये नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अवाम नहीं एहतजाज करेंगे तो कब करेंगे? एक बहुत ही खौफनाक खुफिया तरमीम हम पर नाफिज़ की जा रही है और ये कहना कि हम मारेंगे पीटेंगे तुम्हें, तुम्हारी जुबान खींच लेंगे अगर तुम एहतजाज करोगे, तो इससे ज्यादा बेवकूफाना कोई रद्द अमल हो नहीं सकता रियासत। सर, अली जफर साहब बेंच को गैर कानूनी भी कहते हैं, उसके मावन भी बन जाते हैं, हाउ डज दैट हैपन? सॉरी, दोहराइएगा आपकी आवाज नहीं। अली जफर साहब ने बेंच को गैर कानूनी कहा लेकिन साथ ही उसके मावन भी बन गए। देखिए, ये वहां पे उनका जाती फैसला था, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता, पार्टी की जो पोजीशन थी वो उन्होंने बयान कर दी। सर, आखिरी सवाल सलमान साहब, ये जो आप इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, तीन साल के, आपने देखा एक नया कानून बना है, मैं उस कानून से इतफाक नहीं कर, मेरा ख्याल जमहूरियत पसंद सियासतदानों ने अपनी टांगे अपने बाजू काट दिए हैं, लेकिन तीन साल कैद सजा होगी अगर आप बगैर इजाजत इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। हम हर आईनी कानूनी दायरा है उसमें रहकर बात करेंगे। लेकिन सर, आपने एहतजाज की इजाजत नहीं ली है तो आपके ऊपर तो कल मुकदमा बनेगा और तीन साल कैद होनी है आपको। देखिए, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई चीज ऐसी होगी जो खिलाफ कानून हो, हमारा ऐसा इरादा नहीं है। और अगर कोई काला कानून बनाया जाता है, आईन को सल्ब किया जाता है, आईनी हुकूक को रोका जाता है, तो मामला फिर हम अदालत के सामने रखेंगे, अदालत जो भी करेगी वो देखेंगे। अदालत आईन की सरबुलंदी के लिए खड़ी होती है या सहूलतदारी करती है, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के साथ मौजूद थे।